लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अधिकारियों ने चुपके से किया कुछ ऐसा, जानकारी मिलते ही दौड़ पड़े लोग मेरठ। मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र के मिजाज को मेरठ के नए अधिकारी समझ नहीं पाए हैं। अभी जातीय हिंसा से मेरठ के दो गांव झुलस रहे हैं कि एक और गांव में प्रशासनिक अधिकारियों की हरकत से तनाव उत्पन्न हो गया है। ये गांव है रोहटा थाना क्षेत्र का पूर्ट। यह भी पढ़ें, सोमवार को रोहटा थाना क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से स्थापित की गई शिवलिंग को उखाड़ते हुए चबूतरे को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने शिवलिंग को नहर में विसर्जित कर दिया, जिसे कुछ देर बाद ही ग्रामीणों ने निकाल लिया। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष है। यह भी पढ़ें, NH-24 टोल बूथ पर कांवड़ियों का कब्जा, जाम लगाकर किया हंगामा। ये थी वजह, ग्रामीणों ने अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर प्रशासन ने पिंडी की स्थापना फिर से नहीं कराई तो वे मेरठ मुख्यालय पर आकर अनशन करेंगे। दरअसल बीती 9 अगस्त को पूर्ट के कुछ ग्रामीणों ने गंग नहर पुलिया पर एक चबूतरा बनाकर शिवलिंग स्थापित कर दी थी। यह भी पढ़ें, इस हिंदू नेत्री ने सोनिया गांधी को लेकर दिया ऐसा विवादित बयान कि दिल्ली तक मच गया हड़कंप। शिवरात्रि के पर्व पर माहौल खराब होने की आशंका के चलते अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन निलायियों की रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के कान खड़े हो गए। सोमवार की अल सुबह डिप्टी मजिस्ट्रेट प्रथम राजीव कुमार और डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वितीय अमरीश त्यागी सिंचाई विभाग के SDO सत्येंद्र और जेई उधम सिंह सहित दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आनन फानन में शिवलिंग को उखड़वा कर नहर में विसर्जित कर दिया और JCB की मदद से चबूतरे को तोड़ डाला। मात्र चंद मिनटों में कार्यवाही समाप्त कर अधिकारी वापस लौट गए। यह भी पढ़ें, योगी सरकार की दुखती नस पर रख दिया रालोद ने हाथ। अधिकारियों को अंदेशा था कि अगर वो लोग वहां रुक गए तो बवाल हो सकता है, इसलिए वे कुछ ही समय में कार्यवाही कर उल्टे पैर वापस लौट आए। सुबह का समय इसलिए चुना कि सुबह ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होती है। वहीं घटना का पता लगते ही ग्रामीण घटना स्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक अधिकारियों की गाड़ियां काफी आगे निकल चुकी थी। इससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। यह भी पढ़ें, कुछ ग्रामीणों ने नहर से शिवलिंग को निकाल लिया और दोबारा स्थापित कराने की बात पर अड़ गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने शिवलिंग को पुनः उसी स्थान पर स्थापित नहीं किया तो वे मेरठ मुख्यालय पर जाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं क्षेत्रीय अमीन जितेंद्र ने अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ जमीन पर कब्जा कर शिवलिंग स्थापित करने की तहरीर दी है।